तो वहां से मारी और देखो कहां पार करके और इधर इधर और इधर नीचे जाके गिरी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 6:30 बजे हैं और करंटली अभी मैं हूं घर पे। तो आज छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं तो आज जाऊंगा हॉस्टल में। तो फिलहाल रेडी वेडी होते हैं और जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वो हैं फरकाबाद, क्योंकि उनको डेंगू वगैरह हो गया था तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ और आनंद सर वो भी चले गए हैं, तो मैं अकेला हूँ हॉस्टल में, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा, बच्चे आ गए होंगे। फाइनली रेडी होके निकल चुके हैं हॉस्टल की तरफ। यहाँ से लगभग दूरी होगी 8 से 9 किलोमीटर। फाइनली हॉस्टल पहुंच गए हैं। फाइनली बॉक्स में बैग रख दिया है, अब इसको बाद में सेट करते हैं छुट्टी के बाद, क्योंकि प्रेयर लग रही है। 8:10 हो गए। हाय बच्चों। अच्छा वो बच्चे खड़े हो जाओ जो हॉलीडे होमवर्क करके लाए हैं। स्टैंड अप ऑन योर सीट। इधर भी मोनिका करके लाई, खड़ी हो जाओ। तुम लाई करके हैं तो नहीं आई थी, पता कर लेती। तुम मिस कोई नहीं करके लाया, सोच समझ खड़े हो रहे हो। निष्कर्ष करके लाए नहीं लाए, अभी देखो। तो इस समय दोपहर का 1 बजा है और फाइनली छुट्टी हो गई है। और देखो बच्चे हॉस्टल के मात्र 2 आए हैं, एक और आया है ऋषि, वो 8 क्लास में पढ़ता है, वो सेकंड रूम में रहता है फिलहाल, तो अभी इधर ही होगा। फिलहाल अभी मैं अकेला हूँ इसमें, मैंने आपको बताया था दूसरा कोई टीचर नहीं है फिलहाल, तो देखते हैं आ जाएगा कोई टीचर आ जाएगा। तो फिलहाल छुट्टी हो चुकी है और खाना आ गया, तो फिलहाल खाना खाते हैं। तो इस समय दोपहर के 3 बजे हैं, वैसे तो कोचिंग का टाइम हो रहा है बट बच्चे ही नहीं आए। कुल 3 बच्चे हैं और अलग अलग क्लास के हैं, तो एक बच्चा कोचिंग क्या ही पड़ेगा। तो वेट करते हैं, देख शाम तक बच्चे आ जाएंगे और सर की भी हो सकता है छुट्टी हो जाए। तो रूपेन सर गए हैं लिवाने सर को, प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम वही हैं फरकाबाद में, और ये रही रूपेन सर की बाइक। तो देखते हैं सर जी कब तक आते हैं और बच्चे कितने आते हैं आज शाम तक। और सोचो ये 3 बच्चे हैं, ऋषि कुमार, अनिकेत कुमार और हर्षित। हॉस्टल में एक बच्चा और आ गया है, क्या नाम है बेटा? तो गाइस अभी हॉस्टल का माहौल देखिए, बिल्कुल शांत। सामने में तिरंगा लहरा रहा है अपना, 15 अगस्त को ही लगाया था, और चारों तरफ बिल्कुल शांति शांति, ना चहल पहल ना उधम, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 ही बच्चे आए हैं, अभी एक और आ गया था और कोई नहीं है। एक आंटी जी और हैं, वो नीचे इसमें रूम में लेटी हैं उस वाले में, और एक आंटी भी आई नहीं है। अंकल जी भी चले गए हैं, सर और मैम भी फरकाबाद हैं। तो पूरे फील्ड में, पूरे कैंपस में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। थोड़ी देर बाद यहाँ गेट पे आके देखा तो यहाँ अंकल जी भी नहीं है। वैसे अमूमन यहाँ अंकल जी रहते हैं, आज वो भी नहीं है, तो शायद वो घर पे चले गए। और सर तो सही से कराओ, वो हो गया 4 रन हो गए। ये गया पार बिल्कुल। तो इस समय शाम के 4:57 हुए हैं और अभी बॉल मारी है, 6 मारा तो इधर चली गई स्कूल पार। आंटी जी क्या बनाओगी आज खाने में, आप बताओ। बना लो आंटी जी पनीर। ठीक है ले आएंगे, लो मारना। ओ भाई ऋषि ने ही पार कर दिया और ये स्कूल पार। अंकल जी की हो गई एंट्री। अंकल जी पनीर खवा दो यार। पनीर और क्या, तो मंगा ले आज। हाँ मंगा लो, बन जान दो आज। कितने अंकल जी, 250 ग्राम बता रहे? 250 ग्राम में नहीं होगी। अच्छा का फायदा, कितनी आई थी? आधा किलो। आधा किलो सवेरे तक खाई तो 250 ग्राम सही है। 3 जने था तुम, आप नहीं खाओगे? आप नहीं खाओगे? अरे हम यहाँ एक दिन खा लें, बदनाम 15 दिन के लिए, क्या फायदा क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है ना, हम अपने से खिला लेंगे आपके में। ना लो, आपको हम अपने से खिला लेंगे। 15 दिन के लिए बदनाम हो ले अंकल जी। अंकल जी जितनी बता रहे उतनी मंगा लो। ठीक 250 ग्राम। सो गाइस अभी मैंने सबसे लंबा 6 लगाया, वो है ना सामने बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के उस तरफ जाके उधर खेतों में जाके गिरी है। देखते हैं चल के कहाँ पड़ी। क्यों भैया इधर बॉल आई थी? बॉल यार अभी इधर ही आके गिरी थी, तो आज देखो इधर गिरी आके। अब ये नहीं समझ में आ रहा इसे बाजरे में
या इधर गिरी। और देखो कहाँ से मारी, अभी मैं छत पे खड़ा हूँ, दो मंजिल वाली पे, सेकंड फ्लोर वाली छत पे हूँ, और देखो कहाँ से मारी। वो छोटा छोटा पेड़ दिख रहा है, वो हल्का सा उंगली के जस्ट पास में, तो वहाँ से मारी और देखो कहाँ पार करके और इधर इधर और इधर नीचे जाके गिरी। तुम क्यों चढ़ाए, तुम छत के पागल हो, अब ऐसे मत उतरो, रुक जा मैं उतार दूंगा, पागल हो तुम पूरे। तो भैया हेल्प कर रहे हैं, भैया ढूंढ रहे हैं, देख लो भैया मिल जाए तो। वैसे बच्चे भी आ रहे होंगे दो इधर, तो फाली भैया ने ये वाली बॉल ढूंढ के दे दी, ये प्लास्टिक की है, बच्चों खो गई होगी, ये भी गई लेकिन। अच्छा चलो थैंक यू, मैं इधर देख रहा हूँ तुम आए नहीं है, फाइनली बॉल मिल गई है, बच्चे ले गए नीचे, चलते हैं फटाफट। कौन आया छोड़ने? मामा आए थे। मामा घर से आए हो? तो शाम को पनीर बनेगी, खाओगे? ठीक है, आदित्य और आ गया है। तो फिलहाल शाम के 6:30 बजे हैं, सभी बच्चे खेल के ऊपर पहुंच गए हैं और खाना भी बन रहा है, तो आज स्पेशल पनीर बन रही है। मैंने अंकल जी से बोला था तो उन्होंने किसी भी तरीके से मैनेज करके पनीर ले आए, जो सामान उसमें पड़ता है वो भी ले आए, तो फिलहाल अभी बन रही है। दूसरी जो आंटी जी थी वो भी आ गई हैं, कुछ बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे भी 7-8 हो गए हैं, तो फिलहाल खुद भी चलते हैं ऊपर और देखते हैं बच्चों का, थोड़ा पढ़ाई कराते हैं और फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो गाइस फाइनली इतने लोग आ चुके हैं हॉस्टल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और तो कोई नहीं ना, 7 लोग आ चुके हैं, मैं हूँ और दो आंटी जी और उनकी दो बेटियाँ हैं, तो इतने लोग हैं। तो फिलहाल पनीर बन के तैयार हो चुका है, तो पनीर की सब्जी और रोटी। एक्साइटेड? यस सर। व्हाट यू एक्सपेक्ट मी टू डू, पुश यू अवे व्हेन वी बोथ फीलिंग ब्लू।